अरे जो आदमी शादी से पहले बड़ा हेयर स्टाइल बना के जाता है ना अपने यंग डेज में, ये शादी के बाद वही अपनी बीवी की बची हुई डाई लगा रहा होता है आदमी। शादी से पहले आप देखो माँ के हाथ की बनी हुई भिंडी में भी कमी निकाल देता आदमी, शादी के बाद बीवी के हाथ गंदे करेले भी खा लेता चुपचाप, यही सोच के खा लेते चलो खून तो साफ कर रहे हैं ना, और खून भी बीवी साफ करा रही है, उनको पीना जो होता है। कपिल जी कितने साल हो गए? मुझे बीवी का रोल मानते हुए 41 साल हो गए। 41 साल? हाँ जी सर। क्या बात है सर? ऐसा है जी सर, हमारे माँ बाप ने हमको हिंदू धर्म सिखाया। अच्छा जी, हिंदू धर्म में क्या होता है जी? आपको ज्ञान चाहिए बोलो सरस्वती मैया की जय। बिल्कुल। आपको लक्ष्मी चाहिए बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आपको शक्ति चाहिए बोलो काली मैया की जय। तो मैं बोलता हूँ मेरे बच्चों की मैया की जय। जी मैम, एक्चुअली रूल्स एंड ऑल तो फाइन की घर पे तो बीवी का ऑफकोर्स रूल्स चलेगी। मेरी शादी के अभी जस्ट 2 months हुआ है। okay. तो मैं अभी रूल्स सेट करने की प्रोसेस में हूँ। अच्छा, आप इतनी मतलब प्लानिंग करती हैं कि अब मैंने 2 महीने में सेट करना है, अभी क्या सोच के रखा भाई साहब के लिए, क्या करने वाली हैं आप बताइए, आपकी क्या प्लानिंग है भाई साहब? द मेन ट्विस्ट इज दैट हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही फ्लोर पे बैठते हैं। तो आप काम करते हैं कि एक दूसरे को देखते रहते हैं? लोग काम किस लिए करते हैं, ज्यादा दिखाते हैं कि भाई बहुत काम है ऑफिस में, बहुत देर रहना है, बट मेरे पास वो भी स्कोप नहीं है। ये फ्रूट मार्केट गया, जाके ठेले लेकर खड़ा हो गया, चीकू कैसे दिए? उसने मुंह देखा, कहता कुछ नहीं ऐसे दिए, चल निकल। आजकल की मैं हीरोइन देखता हूँ 35-40 किलो की, मुझे लगता आपकी आवाज वो सूट ही नहीं करेगी, ज्यादा सूट करेगी, नहीं नहीं उसके नीचे दबके ना कहीं मर जाए, मैं ये सोचता हूँ। आप क्या, आपकी आवाज इतनी बुलंद कैसे, क्या बचपन में तानपुरा खा लिया था आपने क्या? आप सबको बता दूं कि फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा गाना ऋचा जी ने गाया है, 15 मिनट का गाना है वो, तो डायरेक्टर कट बोलना भूल गया था क्या मतलब? क्योंकि वो कहते हैं कि गाने के लिए जान लगती है, आप लगाती भी हैं, दिखता है तो जान बाहर आती, लगती नहीं है बाहर आ जाती है भाई, नहीं होता है। मैंने देखा एक दो बार ये इन्होंने ऐसा ऊंचा सुर लगाया किडनी बाहर आई चम्मच से अंदर की। लेकिन आजकल झटके मटके कहाँ लगते, उम्र हो गई, जरा सा हिलू तो मोच आ जाती। अच्छा मोच ही नहीं, बड़ी बात ये है ऋचा दीदी, शूट थोड़ा सा डिले हो जाए तो मोच नहीं मूछ भी आ जाती इनके। आज तो झटका लगा ना, कल तो इनके पीछे कुत्ता लग गया था। आपके सारे गाने में बहुत लाइक करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ कि आपके गाने में साथ में लेकर घूमती हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। नहीं नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी दाई है, इनके बालों में बहुत जू रहती है और ये है इतनी लंबी, तो है ना लंबी जू दाई। नहीं नहीं ऐसा कोई, नहीं नहीं कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, ये एक्चुअली मेरी बांसुरी मैं इसमें लाई थी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, रुकिए। अब मैं अपना गाना पेश करती हूँ। अच्छा ओ ये क्या करिए, ये पुंतरू इसका नहीं है, ये चीज इसकी नहीं है, नहीं ये अलग है, ये अलग है। आई एम सॉरी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना, क्या कि मुझे म्यूजिक का खास शौक नहीं है, मुझे सिर्फ गाने का शौक है, तो म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आप लोगों की मदद लेनी होगी, तो वो सब सिंगर आप लोगों से कुछ मांगते हैं वो मुझे भी दीजिए। क्या मांगते हैं वो? सुर। आप मुझे सुर दीजिए और देखिए अगर ठीक ठीक लगा देंगे तो मैं 13 से 14 सुर भी ले लूंगी। सिर्फ 7 सुर होते हैं। हाँ तो मैं एक एक सुर दो दो बार ले लूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? ले लूंगा। मैं अब आपको अपनी गायकी दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है बम्पर, ये तो गाय की आवाज है। हाँ तो यही मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी गाय की आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा, मैंने गाय की दिखा दी, अब मैं आपको भैंस की दिखाती हूँ। क्या ये क्या है? भैंस की पूछ। तुझ पे जड़ी बूटी असर नहीं करेगी। ई ऊ ए ओ औ आ
मैं नहीं पादी, कौन पादा? चल 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 चलो। इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनियां आती हैं यहाँ पे, और कपिल की फेवरेट दीपिका पादुकोण है, मैं हमेशा देख। मैं शर्मा गया। मुझे बड़ा बुरा लगता है, वो आती है बेचारे ऐसी गाल करते रहते गाल करते रहते हैं, वो हीरोइन इनको पप्पी नहीं देती। इनके लिए तो वो एक ना को आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा दोस्ती वाला है। मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरा तो छोटा भाई है, तो मैं तो मेरे भाई को पप्पी अच्छे से दूंगी। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। दीपिका सीखो कुछ। हेलो ऋचा जी। हेलो। इतनी सेक्सी टीचर। ओह माय गॉड, काश आप लड़का होती। बताइए जावेद अख्तर जिससे कम हूँ क्या मैं? नहीं ना, नहीं। देखा। अच्छा भाई, तुम्हें बातों बात में पूछना ही भूल गई, क्या लेंगी आप, एल्बम या डुएट? वाह प्रिंसिपल साहब, आवाज में दर्द तो है इनका। नहीं नहीं, आवाज में इनकी कमर में दर्द है। गिर गए थे। मैं गिरा नहीं था, मैं गिरा हुआ हूँ। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? ऐसे हाउ आर यू कपिल जी, कैसे सर? हेलो ऋचा जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो, रख लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास है और भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये दूसरों की फिल्म में इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। गुस्से में क्यों हैं आप? दरअसल मैं गुस्से में इसलिए हूं क्योंकि मैं जवान हूं और मेरी शादी भी नहीं हुई, पर जस्ट प्रॉब्लम ये है कि सिद्धू जी भी नहीं आए। आने दो इनको, अगली बार क्लास के बाहर खड़ा करके ससुर बना दूंगी। इनको बनाने का बड़ा शौक है पता है, बाहर सीसीटीवी कैमरा देखती ना, सेल्फी और मुंह बना लेती। क्यों? अब दोनों जुड़वाएं, बात भी साथ ही करते, बात इकट्ठे करते, बाथरूम वगैरह करते इकट्ठा। जी परम ऋचा मैम की बहुत बड़े फैन है जी, और हम अपने गाना गा के इनको इंप्रेस करना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे ऋचा जी आप? बिल्कुल। आ सकते हैं उधर? उधर सुर नहीं पकड़ते आप। आई आई आई। अच्छा टी शर्ट भी दोनों सेम, क्या बात है यार, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। चश्मे भी सेम, मूंछों की लेंथ भी सेम। कपिल सर, हाँ जी सर, मुझे भी आना सर। हाँ जी मुझे भी आना सर, लंगर लगाए ना। आई आई। ये झूल झूल के बात करते हैं। हेलो झूले लाल मैम, इस वजह आपके लिए है ना, सिर्फ ऋचा जी के लिए, हम सब बाहर जाएं, सबके लिए, सबके लिए। अच्छा सबके लिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates